आज खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं पंडित श्याम सुंदर शर्मा। श्याम सुंदर शर्मा के बारे में ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मथुरा की राजनीति में श्याम सुंदर शर्मा को चाणक्य कहा जाता है। और चाणक्य केवल ऐसे नहीं कहते कि वो ब्राह्मण है, और चाणक्य भी ब्राह्मण था, इस वजह से कहते हैं। लगातार 8 बार आप विधायक बने, 9वीं बार फिर मैदान में हैं, लेकिन इस बार जो चुनाव को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहली चुनावी जो जनसभा है वो माट में ही आकर की है, यानी श्याम सुंदर शर्मा के क्षेत्र में आकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के एक जो चर्चित और कद्दावर चेहरा कहे जाते हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने आकर ताल ठोकी है। अब देखना यह है कि इस चुनाव में कितना रोचक बनता है, क्योंकि इससे पहले जो चुनाव हुआ था उसमें भी श्याम सुंदर शर्मा की जो जीत का जो बहुत बड़ा आंकड़ा होता था उसको थोड़ा उन्होंने समेट के रख दिया है। तो इस बार चुनाव की किस तरह से तैयारी, इस चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पंडित श्याम सुंदर शर्मा। शर्मा जी बताएं, योगी जी आए आपके क्षेत्र में, 201 करोड़ की सौगात क्षेत्रवासियों को दे गए और बहुत कुछ वो कह गए कि कमल खिलेगा इस बार माट विधानसभा में, तो क्या आपका नज़रिया है? मैं आग्रह इतना करूंगा आपसे कि अखबार नबीस हो चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे दूसरा मीडिया हो, 201 करोड़ रुपया में एक सिंगल पैसा, एक रुपया का उद्घाटन अगर माट विधानसभा का क्षेत्र का हुआ हो, एक रुपया की बात कर रहा हूं। अब आप बरसाने के, नंदगांव के, अलीगढ़ के, अयोध्या के उद्घाटन गिनाओ, ना ही एक रुपया का कोई उद्घाटन हुआ कल, एक रुपये का भी नहीं, कोई एक पत्थर माट का लगा, नहीं माट के लिए कोई घोषणा की गई है। इट्स सोस ट्रू, ये लगता ये है कि माट के प्रति आदरणीय योगी जी सीरियस न थे न सीरियस हैं। अगर सीरियस होते तो निश्चित रूप से यमुना के एकाध पुल की घोषणा करते, यमुना एक्सप्रेसवे के पैरेलल जो सड़क है उसके पक्कीकरण की बात करते, एकाध की घोषणा कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करते। अगर सीरियस होते तो कोई न कोई घोषणा वो अपनी वाणी से, मुखारविंद से जरूर करते, जो कि नहीं की उन्होंने। और यहाँ तक वो 45 मिनट के भाषण में एक बार भी माट का नाम भी नहीं लिया उन्होंने, एक बार भी। और आने के बाद ये लगा कि इस प्रकार से माट का जिक्र न करना, माट का उद्घाटन न करना, माट में कोई योजना न देना, माट के लिए फ्यूचर प्लान न देना, माट के लिए कोई भावी प्लान की घोषणा न करना, इस बात का द्योतक और प्रतीक है कि वो माट के प्रति वो जो है चिंतित न थे न हैं। वो जानते हैं कि माट की जनता, मथुरा की जनता 3 लोक से नहीं आ रही है, और माट की जनता भी 3 लोक से नहीं आ रही है। फिर उनका आने का औचित्य क्या था, फिर माट में क्यों गए? वो अखबारों ने भी लिखा श्याम सुंदर शर्मा को घेरने, घेरने के लिए भगवान घेर सकता है श्याम सुंदर शर्मा को, माट की जनता घेर सकती है, ये राजनीतिक दलों की हैसियत नहीं है जो श्याम सुंदर शर्मा को घेर सके, माट की जनता घेर सकती है मुझे, और अगाध प्रेम और स्नेह माट की जनता का मेरे ऊपर है, और मैं आखिर तक मरूंगा जब तक वो रहेगा, और ये बता दूंगा आपको, यही कहना मुझे आपसे। कहीं भी भाजपा को मुकाबले में नहीं मानते आप? मैं ऐसा नहीं कह सकता मुकाबला, मैं छोटे से छोटे आदमी को भी मुकाबले में लेके चलता हूँ। ये तो बीजेपी कहती है कि कोई मुकाबले में नहीं है, कोई दल मुकाबले में नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह सकता। मैं मान चलता हूँ छोटा सा छोटा भी दल है, छोटा सा छोटा भी लड़ने वाला आदमी है, वो मेरे लिए चुनौती है, उसको चुनौती मान करके मैं चुनाव लड़ता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ, विद्वानों ने कहा है कि मल्लन को मल्ल गनेरे और घर ना है बाहर बहुतेरे, तो मेरे लिए तो सभी मल्ल हैं, लेकिन मैं घमंड करता हूँ, मैं खुद घमंडी नहीं हूँ खुद घमंडी न था न खुद घमंडी हूँ, लेकिन मुझे ब्रजवासियों के ऊपर, माट की जनता के ऊपर बड़ा घमंड मुझे है। जैसे योगी जी पिछली बार तो केवल एक सांसद थे और 2017 में जनसभा करने आए तो एस के शर्मा को 60,000 वोट दिला कर, इस बार तो वो मुख्यमंत्री हैं और भाजपा के एक वो फाइब्रेंट नेता कहे जा रहे। किसी का नाम तो मैंने अपनी वाणी से कभी लिया नहीं है,
मुख्यमंत्री जी हैं, उनका नाम भी नहीं लिया मैंने, मुख्यमंत्री जी कहा है। और पहले किस कैपेसिटी में आए थे ये भी चर्चा मैं नहीं करूँगा, लेकिन सो कॉल डिक्लेयर जो भी थे वो थे तो सही। तो 59,000 वोट आए या 49,000 वोट आए उनके, लेकिन नंबर थर्ड पे ही तो रहे। और मथुरा में कंपेरेटिव 1.25 लाख से जीत होगी क्या? 1.25 लाख आज दिला देंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज के दिन? वहाँ 90,000 की लीड हुई थी क्या? आज दिखा देंगे 90,000 की लीड है। उस समय ऐसा एटमॉस्फियर वातावरण बना दिया था उन्होंने, हिंदू और मुसलमान का, फ्री ये देने का, फ्री सारी चीज़ बांटने का, फ्री चीज़ बांटते चले गए। हालांकि अभी भी बांट रहे हैं वो लोग, बांटने को तो अभी क्या क्या बांट रहे हैं, किट बांटी हैं, जैकेट बांटी, हाँ किट बांटी। इन चीज़ों से चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ता है, बल्कि नुकसानदेह होती है। भ्रष्टाचार के बल पर कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता है। मैं इतना जानता हूँ, मेरी माट की जनता न भ्रष्टाचार थी न भ्रष्टाचारी है, न भ्रष्टाचारी बनेगी। माठ क्षेत्र की जनता 3 लोग से न्यारी है, वो शिष्टाचारी थी, शिष्टाचारी यकीन और विश्वास का है, शिष्टाचारी ही रहेगी। अच्छा, माठ में जयंत की पत्नी चारू चौधरी के भी है आने की, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं? हम किसी में आई डिडेंट बॉदर नेवर एनी पॉलिटिकल पार्टी, मैं किसी की परवाह नहीं करता हूँ, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, मैं परवाह केवल सिर्फ करता हूँ माठ क्षेत्र की जनता का करता हूँ और ब्रजवासियों की चिंता करता हूँ। मैं किसी के बारे में कोई चिंतित न था, मुझे चिंता होगी तो मेरे क्षेत्र की जनता को होगी, मुझे कोई चिंता नहीं है। एक चर्चा मेरा आखिरी सवाल है, ये चर्चा ये भी है कि आप भाजपा के भी प्रत्याशी हो सकते हैं? अब इस बात का मैं आपको कैसे बता दूँ, जब मैं मुझे बहन कुमारी मायावती जी ने आशीर्वाद दे दिया, सी हैज़ डिक्लेयर्ड कि मैं चुनाव के लिए, उन्होंने मुझे टिकट दे दी। अब ये गद्दारी मेरे इतिहास में नहीं है, मेरे चरित्र में ये सब चीज़ें नहीं है, कभी मैंने ऐसा चरित्र नहीं खोया अपना कि जो ये लोग करें इधर एक मिनट, ये काम करना होता तो मैं पहले ही चला जाता बीजेपी में। क्या मुझे ऑफर नहीं था किसी भाजपा के अध्यक्षों का? उनका ऑफर था, आया, अब बुलाया बहुत ऑफर, एक बार नहीं पार्लियामेंट में ऑफर आया, फलाने में ऑफर आया। आई एम द मैन ऑफ प्रिंसिपल, मैं कोई काम ऐसा नहीं कर सकता जनता के सामने कि मेरी आंखें उनके सामने झुक जाए किसी के सामने। तो मैंने न कोई किया है, नहीं कभी करूंगा। इस बार जो चुनाव है तो उसमें जनता के बीच में क्या आपके खास बात रहेगी इस बार चुनाव में जाने की? जनता के यहाँ खास बात है, तुम किसी गांव में चले जाओ, मेरी चुनौती है। बिड़ला की टांकी तभी बंद हो जाती है, मेरी किसी गांव में टांकी बंद नहीं हो रही है। तो जब टांकी जो जन समस्याएं थी मैंने बड़े ओपन हार्ट से उनकी पूर्ति की है, और जो नहीं कर पाया हूँ उसके लिए माफ़ी मांग ली है, और जो कर सकता हूँ आगे करूँगा। कोई गांव ऐसा नहीं जहाँ मेरी इस समय टांकी नहीं बज रही हो। आपका एक वीडियो और सोशल मीडिया पर चल रहा है, उसमें मंच पर आप भाषण कर रहे हो, तो आपने बड़ी एक बात व्यंग करके कही थी कि श्याम सुंदर शर्मा की तो एकमात्र सुधा शर्मा धर्म पत्नी है, बाकी और है उनकी, वो क्या आप बता वीडियो? एडिट एक आधा सेकंड का कोई ऐड कर दे, उस पूरे भाषण को आप देखिए तब ये कमेंट करिए। सत्यता ये है, मैंने कभी ये नहीं कहा, मैंने एक बात कही थी, आज भी कह रहा हूँ कल भी कहूँगा, कि हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना करके मूर्ति लगाई माठ में, तो लोग कहने लगे थे गुर्जरों को ले जाने के लिए कर रहे हैं। फिर निषाद राज महाराज की मूर्ति हमने लगाई तो कहे निषादों को रिझाने के लिए कर रहे हैं। फिर हमने मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति मथुरा में लगाई, मेरा ही नाम लिखा हुआ देख लीजिए, तो कहे साहब बघेलों को रिझाने की बात कर रहे हैं। फिर हमने परशुराम कुंड बनाने की बात की, परशुराम को मंदिर बनवाया तो कहे उसे रिझाने की बात कर रहे हैं। हमने महाराणा प्रताप की में भी योगदान दिया, तो एक बार हमारे मित्र थे उनके चौधरी चरण सिंह जयंती नहीं मना के जरूर मनाएंगे। तब कुछ सो कॉल्ड नेताओं ने इस पर आपत्ति की, तब मैंने ये बात उसी समय बात कही थी। मैंने कहा देखो चौधरी साहब का जन्म कहाँ हुआ था? गांव में। मेरा जन्म कहाँ हुआ है? गांव में। चौधरी चरण सिंह शिक्षा प्रेमी थे, हाँ सब सभा की बात है। मैंने कहा मुझसे ज़्यादा विद्यालय प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल इंटर डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज किसी ने बनवाए हों? बोले हाँ साहब।
चौधरी चरण सिंह ईमानदार थे, मैं भ्रष्टा मेरे भर दो मैं बेईमान हूँ, तो मैंने सार्वजनिक सभा में बात किया। चौधरी चरण सिंह की एक ही धर्म पत्नी थी और मेरी एक ही धर्म पत्नी है, ये मुझ पर आरोप लगाने वाले ये चार चार लेडी करके रखते हैं जो मनाते हैं चौधरी चरण सिंह जयंती। जब चार वाले मना लेते हैं तो मुझे एक वाले मनाने में क्या दिक्कत है, ये मैंने कही थी और आज भी कह रहा हूँ। इस पर भी किसी, ये सारा किसकी होता है, चार वाले की? अब जो लोग कह रहे थे उस समय, और इस पर भी किसी को तकलीफ हुई है तो मैं क्षमा मांग ली मैंने, कोई दिक्कत नहीं। मैं अपनी वाणी से कोई गंदी बात नहीं कर सकता, मैंने तब नहीं गंदी बात की। 2002 के इलेक्शन में मेरी माँ और बहन को सरेआम नौजिल के अड्डे पर गाली दी गई, तब भी मैंने ये बात कही थी कि गाली देने वालों, तुम माँ बहनों को गाली, मेरी माँ बहन को गाली दे के आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर सकते हो। मैंने पूछा अभी अच्छा किया मैंने, बुरा किया मैंने, मेरी माँ का क्या अपराध है? मेरी माँ का सिर्फ एक अपराध है कि श्याम सुंदर जैसे पापी को उन्होंने अपनी कोख से जन्म दे दिया, और मैं तुम्हें इस बात की चुनौती देता हूँ कि तुम मेरी माँ और बहनों को गाली दे करके आशीर्वाद माँ बहनों का नहीं प्राप्त कर सकते हो। देखिए, मुझे तुम्हारी माँ बहन अगर मिलेंगी तो मैं इतना शीश नभाऊँगा जब तक मैं आशीर्वाद नहीं ले लूँगा तब तक शीश ऊपर नहीं उठाऊँगा। मैं जीत गया उससे, आपको ये बात थी। तो इसमें आज भी मेरा विनम्रता शालीनता मेरी राजनीति का आभूषण मान के चलता हूँ। अपनी जबान कभी गंदी की नहीं है, न कभी गंदी करूँगा। मैंने तो संप्रभुता लेके चलता हूँ, रचना लेके चलता हूँ, निर्माण लेके चलता हूँ, विकास लेके चलता हूँ। कोई व्यक्ति अगर ये कह दे कि मैंने अपने दरवाजे से किसी की बात सुनी नहीं और उसमें मदद नहीं की, उस यज्ञ में आहुति नहीं दी, तो आई एम रेडी टू रिजाइन फ्रॉम द पॉलिटिक्स। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, नहीं कभी करूँगा। कि योगी जी ने जो शिलान्यास और लोकार्पण किए हैं उसमें कहीं भी माट का जिक्र नहीं है, और इस बात के लेकर चर्चा भी हो रही है, एक सिंगल भी नहीं है, सिंगल नहीं माट का, न कोई उद्घाटन, न इनॉग्रल, न कोई घोषणा है, तीनों में से कोई चीज़ सिंगल नहीं है। इस बात को दोबारा कह रहे हो, और ये लोगों के संज्ञान में भी आई है, इस पर चर्चा भी हुई है कि योगी जी ने जो 201 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया उसमें माट का जिक्र नहीं है, और फिर जिनका किया है लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जिनके प्रधान और सभासद उद्घाटन करते थे उनका उद्घाटन और लोकार्पण मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो ये भी बहुत चर्चाओं में रहा। लेकिन बहरहाल वो आए, क्या उनका उद्देश्य रहा और किस उद्देश्य से पार्टी ने सभा कराई वो पार्टी और उनकी बात है, लेकिन श्याम सुंदर शर्मा ने अपने विषय में जो खुलकर अपनी सारी बातें की हैं और जो एक वीडियो को लेकर चर्चा थी उस पर आज भी उनके वही शब्द हैं जो आपने वीडियो में सुने होंगे। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि कभी उनकी जबान से कोई ऐसे हल्के या गंदे शब्द नहीं निकले, आज भी वो सम्मान की राजनीति करते हैं, लोगों को सम्मान देते हैं, और इसलिए वो कह रहे हैं कि माट की जनता ने बराबर उन्हें सम्मान दिया है। और मुकाबले की जब बात आई तो उन्होंने कहा कि वो किसी को छोटा मान के नहीं चलते, सबको मुकाबले में मानते हैं, बाकी उसका जो निर्णय है वो माट की जनता के हाथ में है। एक सवाल हमने जो किया लोगों के चर्चा में सोशल मीडिया पर भी आया कि श्याम शर्मा भाजपा में जा सकते हैं, सिरे से खारिज कर दिया, वो कह चुके हैं कि बहन कुमारी मायावती ने उनको आशीर्वाद दिया मार्च से एक बार 2022 के लिए, फिर उन्हें प्रत्याशी घोषित कर दिया है, तो वो क्यों जाएंगे। और इसके साथ उन्होंने एक बात और कही कि भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने उनको ऑफर दिए थे लेकिन उन्होंने उसको ठुकरा कर अपनी पार्टी में ही अपनी निष्ठा रखी है, अब उनकी निष्ठा और मार्च क्षेत्र की जनता का प्यार वो 2022 में के चुनाव में पता चलेगा, क्योंकि इस बार माट का जो चुनाव है उसमें भाजपा अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। और योगी जी का जो आना वो भी यही है कि मथुरा में पहले उनके पास केवल एक माट विधानसभा एक ऐसी सीट थी जहां उनकी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा था, तो इस बार वो शायद यही सोच रहे हैं कि मथुरा की पाँचों सीटों को कब जाएं, लेकिन जनता उन्हें कितनी सीट देती है ये चुनाव का परिणाम ही बताएगा। जीना न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।